हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लालको सॉफ्टनिंग पॉइंट अपरेटस, और इसे हम रिंग एंड बॉल पॉइंट अपरेटस भी कहते हैं। तो इसे कैसे इंस्टॉल करना है इसे बता देता हूँ। इसका वर्किंग मैनुअल वगैरह क्या है सारा कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये विद मैग्नेटिक स्टरर के साथ है ये, ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट एक स्टरलाइज मोटर के साथ भी आता है और ये मैग्नेटिक स्टरर के साथ है ये, ठीक है। इसे इंस्टॉल करने का बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इसे इसके पहले पीछे का दिखा देता हूँ। ये इसके पार्ट हैं, ये देखिए, ये ऐसे आएगा। ये पार्ट एक अलग है, ये स्टरर का पार्ट अलग है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो मेन मेन स्विच है ये इसके पीछे हीटर पीछे लगा देना है। इसका जो दूसरा स्टरिंग का है स्टरर का, ये स्टरर का इसके पीछे लग जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर प्रॉब है, और इसका जो मेन वायर है, मेन वायर डिजिटल का, वो हमने मेन प्लग में लगा देंगे। ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद इसका डिजिटल है, ये मेन इंडिकेटर है, स्टरर का है और ये हीट का है। हीट का इसका है, स्टरर का इसका है, और मेन इसका। मेन हम चालू करेंगे, ये आपका पीस ऑन हो गया। अब इसके अंदर आपने टेम्परेचर सेट करना है। अभी प्रेजेंट टेम्परेचर 24.4 दिखा रहा है, और हमने सेट क्या करा हुआ है, 50 सेट करा हुआ है। इसे हमने टेम्प चेंज करना है, तो आप इधर से इधर आ सकते हो, इस नॉब से साइड में आ गए। आपने 55 करना है, 55 कर लिया। अब आपने 65 करना है, इधर आ गए, अब किसे अप कर लिया, ठीक है। डाउन करना है, डाउन किसे डाउन करो, सेट कर दिया, आपका सेट हो गया, ठीक है। चलो अब इसे ऑपरेट कैसे करना है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले बीकर आता है, बीकर में मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट आता है साथ में। इसके बाद इसका स्टैंड आता है, जिसमें हमने रिंग एंड बॉल को लगाना होता है। इसके बाद इसके रिंग एंड बेल आएंगे, और इसका सेट आएगा, ये इस तरह के दो सेट आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, बीकर को इसके ऊपर रखना है, मैग्नेटिक स्टर के ऊपर। इसके अंदर जो इसका रोटर है, इसके अंदर डाल देना है। अब क्या करना है, ये जो स्टैंड है, स्टैंड के अंदर हमने इससे क्या करना है, ये जो इसका रिंग एंड बॉल है, इसे हमने इस तरह से सेट करना है। देख लो पॉइंट कहाँ पे है, नीचे गिरने का, इस पॉइंट पे इसे हमने सेट करना है, जहाँ पे गिर रहा है। इसके अंदर आपने फिल करना है, जो भी आपका सॉल्यूशन, जो भी आपका मटेरियल है, यहाँ पे फिल करके इसके ऊपर रख देना है। जिस टेम्परेचर पे ये आपका गिरेगा, वो आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट आएगा इसका, ठीक है। इसे सेट करने का बता देता हूँ। ये देखिए, इसका दो पार्ट है, ऐसे नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके ऊपर आपने बॉल रख देनी है, फिर सेट करनी है बॉल को। सेकेंड पार्ट को भी इसके ऊपर रखना है, अपना मटेरियल फिल करना है, उसके ऊपर बॉल रखनी है। वो तो आपको अंदाजा ये भी कितना रखना है, इसे कितना खोल के रखना है, ना कि नीचे उस पॉइंट पे नीचे गिर जाना चाहिए, तब वहाँ पे आपने सॉल्यूशन भर के उसके ऊपर बॉल रखनी है। ये इसके अंदर अपने हमने सेट कर दिया। इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, जो भी आपका यहाँ तक, इसे फिल कर लो, ठीक है। नीचे मैग्नेटिक बीड आ गई है, यह क्या टेम्परेचर प्रॉब है, टेम्परेचर प्रॉब को इसके अंदर डाल दिया है, ये नीचे तक आ गया। ओके, ये आपका पीस स्टार्टिंग के स्टार्ट करने के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टरर ऑन करना है और हीटर ऑन करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करें, स्टर हीटर ऑन कर दिया, अब हमने स्टरर का मेन स्विच ऑन करना है। मेन स्विच ऑन हो गया, हीटर का ऑन, ये स्टरर का है, स्टरर हमने ऑन कर दिया, स्टरिंग ऑन हो गई, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कट ऑफ होगा, जिस टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ उस टेम्परेचर पे आके कट ऑफ हो जाएगा। स्पीड आप इसे वेरिएबल स्पीड है, कम ज़्यादा जैसे आपने करनी हो वैसे आप कर सकते हो। सैंपल पूरा हो जाता है, आप इसे ऑफ कर सकते हो, इसे बंद कर देना है,
और दूसरी बात इसका जो टेम्परेचर है ये 200 डिग्री तक गर्म होता है इसका सरफेस, तो इसे आपने कभी भी 100 से ऊपर नहीं ले जाना, ऐसे 100 पे नहीं ले जाना इसे, भी आपने काम करना है 80-90 से ऊपर कभी नहीं रखना। 80-90 का मतलब है कि आपका ये 200 डिग्री गर्म हो गया ये। और जो सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए आपने इसे 40-50 रख के ही काम करना है। ओके, थैंक यू।